सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैंने सुना है कि आने वाले टाइम पे आपको ये पूरा चंडीगढ़ तक रेड लाइट फ्री रोड बनाया जाएगा, ताकि आप कंटिन्यूसली चंडीगढ़ तक आप ड्राइव कर सको और बीच में आपको एक रेड लाइट भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे पूरे के पूरे रोड पर फ्लाईओवर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। गाइस, आप देख सकते हो कितनी भयंकर आग लगते हुए यहाँ पर, पता नहीं कैसे आग लगी हुई और बहुत गंदी तरह आग लगी पड़ी है। और अगर जल्दी से इस पर काबू नहीं पाया गया तो मुझे लग रहा है चारों तरफ आग फैल जाएगी यहाँ से। सो अमर BMW पे राइड करते हुए, और अमर निकल गया है हमसे आगे, और बाइक अभी 80 की स्पीड चल रही है और अमर तेज़ी से आगे बढ़ते हुए। मेरे प्रिय दोस्त, पेट्रोल भरोगे? 499। कितना? 98 पहुंच गया। सही महंगाई हो रखी है यार, फैंस की पूछ। सो गुड मॉर्निंग लवली पीपल्स, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज है सैटरडे और हम निकल रहे हैं सैटरडे राइड पर। संडे राइड होने वाली थी बट आज का मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा चलो कल की जगह आज राइड करते हैं, आज प्लान करते हैं। तो आज हम निकल चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जा रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए उर्तल। राइड के लिए काफ़ी टाइम बाद निकला हूँ मैं। ऑफिशियली जो हमारी राइड स्टार्ट हुई है वहाँ से स्टार्ट होती है, 160 किलोमीटर की राइड है। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं करनाल वाले रोड पर। जैसा कि ये दिख रहा है आपको, डंप यार्ड है। दिल्ली में ऐसे डंप यार्ड जो है वो तीन है जो मेरे नॉलेज में है, एक तो यहाँ का है और एक गाजीपुर का है और ओखला में है। और लोग सारा का सारा दिल्ली का जितना भी डस्ट है सब कूड़ा बूढ़ा है, लोग यहीं पर डंप करते हैं। सो गाइस, फाइनली अभी हम लोग आ चुके GT करनाल रोड पर, और चंडीगढ़ हाईवे है बेसिकली ये। सो अभी हम निकलते हुए स्पीड हमारी काफ़ी अच्छी है। अभी मैंने सुना है कि ये रोड थोड़ा सा आगे जाके बंद है ये किसान आंदोलन की वजह से, तो हमें लोकल गांव होते हुए निकलना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना रास्ता बंद है, कहां से निकलेंगे। तो बाकी रोड तो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी बड़ी 4-लाइन हाईवे है ये, और अभी तक स्पीड काफ़ी अच्छी मेंटेन की हुई है। सो गाइस, आप देख रहे हो चंडीगढ़ हाईवे पर काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जगह जगह रेड लाइट खत्म करके फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। मैंने सुना है ये प्रोजेक्ट चंडीगढ़ तक चलेगा। आने वाले समय में आप दिल्ली से चंडीगढ़ तक नॉनस्टॉप राइड कर सकते हैं। अभी दिल्ली से चंडीगढ़ तक का डिस्टेंस कवर करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं, जो कि बाद में 2 से 3 घंटे में ईजिली कवर हो जाएगा। सो गाइस, किसान प्रोटेस्ट की वजह से रूट डाइवर्ट कर दिया है। सिंगू बॉर्डर से पहले राइट टर्न पर एक रोड जा रहा है जो सिंगू विलेज होते हुए किसान आंदोलन को पूरा पार करते हुए निकल जाएंगे। जस्ट छोटी सी अपडेट देनी थी आपको, अगर आप बाइक से आते हो तो आप इजली आ सकते हो। आने के लिए तो आने दे रहे हैं, बट जाने के लिए आई थिंक कोई दूसरा रूट है। सो बाइक तो अलाउ है यहाँ पर, अगर आप प्लान करते हो तो आप बाइक से इजली आ सकते हो। सो यहाँ पर जब हम मनाली गए थे तो हम इसी रास्ते से होकर गए थे, रात को गए थे हम लोग। तो आई थिंक ये सेम वही रूट है जो आगे जाके किसान आंदोलन से कनेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां पर किसान भाइयों ने यहां पे आंदोलन कर रहे हैं। ये रहा 6 महीने से चल रहा है ये, काफ़ी मुझे याद है दिसंबर, आई थिंक मिड ऑफ दिसंबर से आंदोलन चल रहा है। और इनके लिए हेड्स ऑफ है जो ये 6 महीने से अभी तक लगातार ये लोग अभी प्रोटेस्ट चालू किए हुए हैं। जो इन्होंने इतना पेशेंस है, ये शांतिपूर्वक ये इन्होंने प्रोटेस्ट चालू किया हुआ है। और उन लोगों के लिए भी हेड्स ऑफ है जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। सो गाइस, फाइनली बहुत जंग लड़ने के बाद हम लोगों ने ट्रैफिक पार कर दिया है। अब हम लोग हाईवे पे दोबारा से आ चुके हैं और धूप निकल आई है, बट धूप इतनी भी नहीं है, चुभन वाली धूप नहीं है, पर धूप है। बाइक चलाते हुए थोड़ा काफ़ी आराम मिल रहा है। हम लोग मूर्थल पहुँच चुके हैं और अभी एक फेमस आया है गुलशन ढाबा, और आगे मन्नत भी है। तो देखते हैं कहीं रुकते हैं, कहाँ पर रुके। शिवा ढाबा भी है इधर, ये रहा जिलमिल ढाबा। थोड़ा सा क्रॉस करके सुखदेव ढाबा आ जाएगा, फिर मन्नत आ जाएगा, फिर हवेली भी आ जाएगी।
सो गाइस यहाँ से कुछ ही दूर पर है अमरीक सुखदेव ढाबा जो काफ़ी फेमस है, और उसके बगल में है गरम धरम ढाबा, वो भी रिसेंटली खुला है, 2-3 साल हो गए हैं, बट वो भी काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। ये रहा शिवा ढाबा, शिवा मामा यादव। देखते हैं कहाँ रुकना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं वहाँ का यही सीन होता है, कुछ समझ में नहीं आता कहाँ पे रुकना है कहाँ पे नहीं रुकना है। तो ये रहा अमरीक सुखदेव ढाबा पे तो हम लोग पहुँच चुके हैं, देखते हैं यहीं चल के पहले चाय ट्राई करते हैं, चाय पीते हैं गाइस, फिर अमर का वेट करते हैं, अमर आता है तो फिर अपडेट लेते हैं कहाँ रुकना है। बाकी तो सब ठीक ही है। पार्किंग है क्या यहाँ पे? अच्छा फ्री पार्किंग है, पहली बार पर्ची कट रही है ना रिसेंटली। वो हो गई क्या चीज़? अच्छा बाइक उठ गई है इसीलिए। सो गाइस यहाँ पर कुछ ऐसी पर्ची मिलती हुई, फ्री पार्किंग स्लिप है ये। एक्चुअली यहाँ पर बाइक चोरी हो गई थी तो जिस वजह से इन्होंने पर्ची काटना स्टार्ट कर दिया बाइकों के लिए, ये सिर्फ बाइकों के लिए, आई थिंक कार के लिए नहीं है। सो चलते हुए सुखदेव की तरफ, चाय की चुस्कियाँ लेते हुए, अपने अपने नशे होते हैं। गाइस अभी हम लोग अमरीक सुखदेव ढाबा पहुँच गए हैं और अभी हमने ऑर्डर किया है पराठे और चाय। बाकी अभी हम लोग अमर का वेट कर रहे हैं, जैसे ही अमर आता है तो अपडेट देते हैं आपको। Few moments later. सो गाइज हमारे सामने अभी आ रहे हैं BMW के ओनर। सो भाई कैसा लग रहा है आपकी फर्स्ट राइड, वो भी लॉन्ग राइड, वो भी इतने 1 किलोमीटर की, कैसा लग रहा है सोलो राइड? ऑसम। गर्मी कैसे लगी? गर्मी नहीं लगी यार। अच्छा नहीं लगी, 100+। अच्छा गाइस अभी हम लोगों ने पराठे खा लिए हैं और लस्सी पी ली है। तो गाइस चाय हो चुकी है, चाय के ऊपर हम पी रहे हैं, खा रहे हैं आइसक्रीम। सो चाय के ऊपर आइसक्रीम चल रही है इसलिए हमारा पेट खराब नहीं होता। मैंने ऑर्डर किया बटर स्कॉच, अमर ने ऑर्डर किया है मैंगो, गुरमुख ने ऑर्डर किया है चॉकलेट। वनीला दिख रहा है थोड़ा सा, वनीला दिख रहा है लेकिन अब टेस्ट करके बता दे टेस्ट की कैसी है। मतलब अच्छी है, स्ट्रॉबेरी का टेस्ट आ रहा है, टेस्टी है। अब टेस्ट करते हैं चॉकलेट वाला, टेस्टी है तीनों, चॉकलेट वाला भी टेस्टी है। ये आम करना, बाकी आई आम की बारी, मैंगो मैंगो पे कहा है सबसे अच्छी है मेरी बटर स्कॉच। सही है गाइस, देखो मेरी आज की। सो गाइस अभी हम निकलते हुए सुखदेव से, हमारे बगल में चल रहे हैं हमारे अमर भाई जो कि अभी BMW पर है। ये अमर, अमर, सो अमर अभी आगे निकलते हुए, बार बार अमर हमसे आगे निकल जा रहा है क्योंकि उसके पास BMW है और हमारे पास RE। तो अभी मेरी स्पीड 80, तो आई थिंक वो 100 की स्पीड से बढ़ रहा होगा। गाइस आप देख सकते हो कितनी भयंकर आग लगते हुए यहाँ पर, पता नहीं कैसे आग लगी हुई और बहुत गंदी तरह आग लगी पड़ी है। अगर जल्दी से इस पर काबू नहीं पाया गया तो मुझे लग रहा है चारों तरफ आग फैल जाएगी यहाँ से, फायर अलार्म आती हुई। और इतनी ऊपर आग लगने का तो कोई चांस होता ही नहीं है, पता नहीं कैसे आग लग चुकी है। तो गाइस फाइनली अभी हम लोगों ने दिल्ली में एंट्री कर ली है, तो बस घर की तरफ चलते हुए